इसको देख के तो ऐसा लगा जैसे हम कश्मीर में होंगे। और हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बच्चों के मजे में होंगे, बढ़िया। और हमारी मॉर्निंग हो रही है रिच पे शिमला में। आपको पता है कि हम शिमला आए हैं और अभी टाइम हुआ है सुबह के 10 बज गए हैं और अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने। तो चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है? एक मिनट, चार हो गए, दो दही हो गए और तीन मक्खन हो गए। ये जहाँ पे ये देखो, यहाँ से आप सीधा नीचे जा सकते हैं ना, और साथ में नीचे को आपको मिल जाएगा वहाँ पे ब्रेकफास्ट ना। और यहाँ से देखो, थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ से आप सीढ़ी उतर के ऊपर से, और ये यहाँ का ये नज़ारा जैसे है ना, यहाँ से आपको पता लग जाए लोकेशन थोड़ी सी। और यहाँ से आप उतर के नीचे आराम से राइट, मतलब लेफ्ट साइड को, जो आप नीचे जाओगे तो लेफ्ट साइड को आपको अच्छा खासा है वहाँ पे। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और ब्रेकफास्ट यहाँ पर अच्छा मिलता है, जहाँ पे मैंने आपको अभी पीछे बताया वहाँ पे अच्छा मिलता है। आलू के परांठे भी, गोभी के परांठे भी, और पनीर के परांठे, हर चीज़ के परांठे मिल जाएंगे आपको, जिस चीज़ के आपने खाने हैं, और अच्छा है, रीजनेबल प्राइस भी। तो अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, ये चर्च के साथ ही, मॉल रोड के साथ ही नीचे को ये शॉप। और अभी देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, नहीं बैठा हूँ मैं, और बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे पीछे, और यहाँ पे नीलम और नीलम नहीं पर गीत और भानु बैठे हैं यहाँ पर। आगे हम फिर रिच पे, हाँ ये देख, सुन लो देखो क्या बोल रहे हैं। मैं इनको बोल रहा था परेड परेड देख लो यहाँ पे हो रही ना, तो ये बोल रहा था नहीं, बोले मैं स्कूल में करता था और ऐसा बस। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि आर्मी ना पुलिस वालों की हर एक की उस वो चली हुई ना, परेड चली हुई यहाँ पे रिच पे। हर 15 अगस्त को होती थी, जाएंगे हम आगे आगे चलते जाएंगे, और आपको भी घुमाएंगे मंदिर, और आपको दर्शन करवाएंगे मंदिर के।
यहाँ से आपको ये माता की प्रसाद वगैरह मिल जाएगा और शॉप शुरू हो जाएगी यहाँ से। तो समझ लेना कि आप मंदिर के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं। ये है काली बड़ी टेम्पल शिमला का, ये देखो जय माता दी। तो जब जब भी आप शिमला हो तो यहाँ पे ज़रूर आना यहाँ पे। और यहाँ से जो व्यू है ना वो सबसे मस्त आता है, मैं दिखाता हूँ आपको, रुको और देखो है ना। यहाँ से जो व्यू आता है ना भाई वो सबसे अलग, ऐसा लगता है आपको जैसे आप कश्मीर में हो। देखो आप जाकू टेम्पल भी यहाँ से दिखेगा और कितना खूबसूरत नज़ारा भाई, जितनी तारीफ करें ना उतनी कम है। और आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है पेड़ों के बीच में वहाँ पे वो घर बिल्डिंग से बनी हुई, कितनी अच्छी लगी देखो यहाँ से। हाँ तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप शिमला आते हैं तो आपको एक बार ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि जो बात एक्चुअल में होती है ना वो फ़ोन में कैमरे में आपको नहीं दिखाई देगी। देखो बंदर भी नीचे, तो बंदरों से भी सावधान रहना पड़ता है यहाँ से। और साथ में ही है बिल्कुल ही, आप परे से आप आराम से आ सकते हो इजीली, चर्च के पास से सीधा रास्ता यहाँ से। अब वापस चलेंगे हम यहाँ से मंदिर के, तो होगी दर्शन और वापस चलते रहेंगे यहाँ से। हमें मंदिर के दर्शन कर लिए और आप लोगों ने भी ज़रूर कर लिए होंगे, और मन को बहुत शांति मिलती है। तो मिलती है शांति, बहुत शांति मिलती है। तो मतलब पिछले दो दिन से हम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं सच में, और बहुत सुकून मिल रहा है। ये सब कुछ हुआ भानु के जन्मदिन पे भाई, क्योंकि जो भानु का जन्मदिन है वो ऐसे दिन को हुआ ना, मतलब जन्म ऐसे दिन को हुआ ना, पूछो हम इतनी बार आए शिमला देखो ना कितनी बार, पर हम इन मंदिरों में आज तक नहीं आए हम अभी भी, और आज आए हम कोरोना करके भी नहीं आए थे। और हमारा मतलब वो होता ना जब तक तो बुलावा नहीं होता तब तक हम नहीं जा सकते, तो शायद भानु के साथ ही था यहाँ पे बुलावा। तब चलते हैं यहाँ से होते, और यहाँ पे कुछ थोड़ा बस लेने लगे हैं ये कुछ क्या पता जो उनको कुछ पसंद आ जाए। और एक तो खुशी के साथ ना सब बोलने लग जाते हैं, देखो दुकानदार भी कैसे लग गए बोलने, शॉप वाले भैया ने देखो यहाँ से। तो आपको बहुत अच्छा अनुभव, मतलब अनुभव तो क्या बोले उसको, अच्छा फील होगा, दिल को बहुत सुकून मिलेगा यहाँ आके भाई सच में, इस मंदिर में आके। तो ग्रैंड होटल, तो आप लोग लो पढ़ लो इसको भी क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे पोज करके आराम से पढ़ लेना आप यहाँ से। ये लो पूरा इसके बारे में भी क्या है क्या नहीं, और ये इसकी एंट्री है यहाँ से, ये सामने से ना जो आप काली बड़ी टेम्पल को जाते हो तो ये एंट्री है इसकी। जो अभी जो क्या बोलते हैं ग्रैंड होटल देखा ना अभी, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, जो अगर आप गवर्नमेंट सर्विस करते हो कोई भी, तो अगर आप उनकी फैमिली से हो तो आपको ये होटल में यहाँ पे रुकने देंगे, अदरवाइज प्राइवेट के लिए होटल नहीं है। मैं अभी वहाँ पे गया तो मैंने पूछा, मैं कहा चलो पूछ लेते हैं जब मैं यहाँ पे आया हूँ, तो सुन लो ये प्राइवेट के लिए नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, मतलब अच्छा होटल है। फिर भी जा रहे हैं वापस, अभी जाएंगे हम ओल्ड बस स्टैंड, और ओल्ड बस स्टैंड से जाएंगे न्यू बस स्टैंड ICBT, फिर वहाँ से लेंगे हम बस। क्यों मैम अभी टाइम हुआ है 12 लगे बजने, अब देख लो अब आपको कितना टाइम हो गया हमारे घूमते घूमते सुबह से ही। अभी हम पहुंच गए ओल्ड बस स्टैंड, और अब यहाँ से लेंगे बस न्यू बस स्टैंड के लिए, देखते हैं हमारे को कौन सी बस मिलेगी। और हमारे तबाकी को यहाँ पे नींद आते हुए, बोलो जल्दी जल्दी से चलो आप, चलो चलते हैं अब देखते कौन सी बस मिले हमारे को मिलेगी। कि तू इसमें जाना है, लग रही ठीक लग रही बस, तो रहने दो कोई ऐसा नहीं है, अगर ठीक लगे तो दूसरी चल पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो कितनी सीट तो बीसी जी पहुँच गए न्यू बस स्टैंड ICBT शिमला, तो यहाँ से लेंगे हम बस अपने सोलन के लिए। और ये बस स्टैंड बहुत बड़ा है आपको पता ही है, तो यहाँ से आपको इजीली मिल सकती है 7-8 बसें, आपने कहीं भी जाना हो तो सुपर फास्ट बसें मिल सकती है यहाँ से। चलिए आपको चंडीगढ़ ना आना आ रहा है, बोलो चंडीगढ़ वाली बस में चलते, बोलो अगर ना आना चंडीगढ़ वाली की नहीं, नॉन स्टॉप बस में चलेंगे अभी, जैसी बस में हम आए थे नहीं नहीं तंग करेंगे। हम जा रहे हैं वापस, बस मिल गई है, और अभी टाइम हुआ है कितना टाइम हुआ है, 1 बज गया है, हम पहुँचे थे 2:30 या 3 बजे तक पहुँच गए हम सोलन में जा रहे हैं। और अभी हमारे साथ देख पता क्या थी, यहाँ पे नहर बस स्टैंड में खीरे देने वाला था, अच्छे से लेकर खीरे कितना बकरी लगा रखा था उसने, तो अच्छे से खाएंगे। और ठीक है भानु को ठीक आया, सिर्फ ये तो आप आया था लास्ट वाला 3 हाँ 2 पीस थे ना, 2 पीस इसमें सही थे, और 2 पीस उसमें ना एक कड़ू में थे ना, मेरे से खाया नहीं गया, और सारा ही स्वाद खत्म हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो जब भी आप आओ ना यहाँ देख लेना, तो पहले टेस्ट कर लेना, तभी जाना। ऐसे लेना कि पता लगा कड़ुए कड़ुए सारे।